अच्छा यहाँ पे कौन आने वाला पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये अच्छा आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। मुझे बता कौन जीतने वाला है झारखंड में इस बार? झारखंड में इस बार क्या बोलते हैं हेमंत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और इस वक्त हमारी मौजूदगी है झारखंड के बड़का गांव में। दोस्तों इस वक्त हम एक रैली में आए हुए हैं और यहां पर आने वाले हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता हैं हिंदू। तो दोस्तों जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हैं, कहा जाता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा भी उसी तरीके से जन जागृति करते हैं, हिंदुओं को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर वो आए हुए हैं बड़का गांव के एमएलए के लिए वोट मांगने के लिए। तो आइए दोस्तों जो यहां पर रैली में आए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको यहां पर लोक लुभावने ऑफर देकर या उनको पैसे देके या कुछ किस तरीके से बुलाया गया, क्या लोग अपने मन से आए हुए हैं और इस वक्त जनता का मूड क्या है, क्या ये एक आम रैली है या जनता का मन है कि वो इस बार बदलाव देख रही है, या फिर ये एक आम रैली है जैसे कैसे भी किसी भी बीजेपी की कोई भी आम रैली होती है वैसे, या झारखंड में इस बार जनता देख रही है बदलाव। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, एक बार घुमा के दिखा दो। ये आप देख रहे हैं कि लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 10-20 हज़ार 30 हज़ार के आसपास लोग हैं और यहाँ पे बीच में एक हेलीपैड भी बना है, और वो क्या सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आए हुए हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा को देखने आए हुए हैं, या फिर वो यहाँ पर खाना खाने आए हुए हैं, पेप्सी पीने आए हुए हैं, या रियल में जनता जो यहाँ आई हुई है वो वोटों में भी तब्दील होगी, बीजेपी यहाँ से क्या बहुमत हासिल कर पाएगी या क्या होगा। रुकिए, नमस्कार भैया जी, क्या हाल है? ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ है? क्या शुभ नाम हुआ? अरे तो हाल चाल अभी ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? नाम मनोज मुंडा। मनोज जी यहाँ पे पैसे वैसे दे के बुलाए गया है, अपने आप से आए हैं आप? अपने आप से आ गए। कुछ भी पैसे वैसे नहीं मिले? 200-500 हज़ार? नहीं नहीं मिला। अच्छा खाना वाना मिलने की जिम्मेदारी दी गई है? कैसे होगा नाश्ता पानी? तो खाना वाना मिलेगा, नाश्ता पानी होगा? होगा। अच्छा पहले बता दिया गया है, कहाँ से आए आप? जोबो। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर है। आज कौन आने वाला है यहाँ पर जिसके लिए आप लोग आए हुए हैं? मोदी जी आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा आने वाले हैं, मोदी जी आएंगे ये बताया गया आपको? अच्छा मुझे बताइए इस बार कौन जीतने वाला है चुनाव, क्या लग रहा है आपको? उतना तो अभी संभव नहीं है बताना। संभव नहीं है? नहीं नहीं, मतलब बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, हेमंत शर्मा जीतेंगे, हेमंत जी जीतेंगे, कौन जीतेगा? अभी तो ही बता रहा, अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चुनाव होगा तब देखा जाएगा। चलिए खाइए, मैं ले लूंगा। अच्छा लीजिए मैंने ले लिया, ठीक है मैं रख लिया जेब में। और बताइए क्या शुभ नाम हुआ आपका? जितेंद्र पटेल सर। जितेंद्र जी कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे, कितनी दूर से? बड़का गांव बगल से है, 11 किलोमीटर। अच्छा तो मुझे बताइए यहाँ आपके राज्य में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? हमारे सरकार तो एनडीए का ही सरकार बनेगी। तो पिछले 5 साल में काम वाम नहीं किए हेमंत जी? ये तो आप लोग खुद देख रहे होंगे घूम के, आप यहाँ के रहने वाले। हम लोग अगर ना भी बोलेंगे तो आप लोग तो खुद देख रहे हैं ना कि कहीं कुछ नहीं है, हवा हवाई बात है, कुछ नहीं। शराब घोटाला में भी अब सही है, सारा चीज घोटाला है ये जान रहे। अब आप भी जाइएगा, अभी भी शराब लेने जाइएगा तो 20 रुपया एक्स्ट्रा देना ही होगा, और बोलता है देना ही होगा। बालू भी उसी तरह है, बालू भी तो इससे किसी को छुपा हुआ नहीं है, बालू मतलब लूट मचा हुआ। अबुआ आवास बोल रहा है, बालू है ही नहीं तो अबुआ आवास में बनेगा कहाँ से? तो शराब के ऊपर 20 रुपया बढ़ा दिए हैं, वो ज्यादा दिक्कत? 20 रुपया बढ़ाया नहीं है, रेट वही है, 20 रुपया एक्स्ट्रा दो, हमको सरकार को देना पड़ता है। सरकार को देना? हाँ मतलब कम से कम दारू पे तो रेट कम होना चाहिए। ना ना कोई रेट नहीं करे, जो जो कंपनी है, जो सरकार का हमारा रेवेन्यू जाता है वो एक्चुअली में जाए। हम किसी का पॉकेट भरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपको जो शराब बेच रहा है, जो क्या बोलता है वर्कर है, उन लोग को पेमेंट दे रही है। कौन आने वाले आज यहाँ पर? हेमंत बिस्वा सर। हेमंत जी की क्या अच्छी बात लगती है आपको? उनका एक बागी बात अच्छा लगता है, केवल हिंदुत्व का बात करते हैं, लाग लपेट वाला बात नहीं करते, इसीलिए हम लोग सुनने के लिए आए। आपके यहाँ पे मुद्दा जो है हिंदुत्व का है यहाँ पर? हाँ सर। दिक्कत है हिंदुओं को? हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, आने वाला भविष्य में दिक्कत है सर, अभी नहीं है तो क्या हमेशा के लिए सो जाए हम लोग? मतलब भविष्य में दिक्कत हो सकती है? दिक्कत हो सकती है, इसीलिए पहले से रणनीति बनाई जी। जी सर। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? राम बाबू यादव। राम बाबू जी कहाँ से आए हो आप? परका गाना से। आप भी? अच्छा किस लिए आना हुआ यहाँ पर? बस हेमंत बिस्वा शर्मा आ रहे हैं। पैसे वैसे देके तो नहीं बुलाया? नहीं नहीं नहीं, हम लोग सर निस्वार्थ से हम लोग। खाने वाने की व्यवस्था है इसके बाद? नहीं नहीं, हम लोग अपना खाते हैं और आते हैं।
अच्छा हाँ। तो अपनी हम लोग पार्टी के लिए हैं। अपनी गाड़ी लेके आए हो या फिर? अपनी गाड़ी लेके आए। पार्टी की बस में आए हो? नहीं नहीं नहीं, अपनी गाड़ी लेके आए हैं और अपना पेट्रोल जला के आए हैं। अच्छा मुझे बताइए इस बार क्या लग रहा है झारखंड में आप? झारखंड में इस बार एनडीए का सरकार बनेगी सर। एनडीए की सरकार बनेगी, एकदम जरूरी है सर। क्यों, क्या हुआ 5 साल में हेमंत जी काम नहीं किए? लूट मचा हुआ है सर। आप भी जान रहे हैं लूट मचा हुआ, बहुत बालू माफिया है, दुनियादारी है, कोयला है, बहुत चोरी हो रहा है सर। जरूरी है एनडीए का सरकार होना, बहुत जरूरी है। ये 5 साल जो बीता है ना सर, ये 5 साल रो रो के लोग जनता बिताया है। जनता तो दे दिया, गलती तो जनता कर चुका है, अब जो है वो गलती का परिणाम जो है एनडीए का सरकार बनाएगा। तो आपके हेमंत जी और उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि पहले तो कोरोना आ गया सरकार बनते ही, तो 2 साल वैसे काम नहीं कर पाए, 3 साल टैक्स इलेक्शन कम हुआ, फिर जेल में डलवा दिया आप लोग, काम वाम करने कहाँ दिए? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है सर, कोरोना आया तो ऐसा थोड़ी है सर, केंद्र सरकार सारा चीज किया ही झारखंड में, सारा पैसा सब कुछ दिया ही। रहा बात कोरोना का, एक आप ले रहे हैं फायदा उठा लीजिए कोरोना का कि 2 साल मेरा काम करने को नहीं मिला सर। कोरोना तो 2 साल आया तो आप किए क्या? सारा तो केंद्र सरकार किया ना सर, आप तो किए नहीं कुछ। तो हेमंत जी जो आदिवासियों का मुद्दा उठाते हैं, काम नहीं हुआ है आदिवासियों के लिए? ठीक है, वो मुद्दा उठाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है सर। धरातल पर काम नहीं, कुछ नहीं। अभी भी आदिवासी का मुद्दा बोल देंगे लेकिन धरातल पर आदिवासियों को फायदा नहीं हुआ सर। आदिवासियों का तब फायदा होगा सर जब एनडीए का सरकार बनेगा सर। एक से एक आदिवासी नेता सर एनडीए में है सर, बीजेपी में एक से एक आदिवासी नेता है सर, जो कि आदिवासी को हित के लिए सारा काम करते हैं सर। क्या लग रहा है बीजेपी आएगी तो क्या कर देगी राज्य में? ऐसा जो राज्य में आएगी दबे कुचले और आदिवासियों को अच्छा सारा काम होगा, आदिवासियों को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ? लालमोहन राजवार। कहाँ से आए आप? चिनीगड़ा। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से वही होगा 17-18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तो कैसे आए हैं? पैसे वैसे मिले हैं कुछ? कैसे आए? पैसे क्या मिलेंगे यहाँ आने के लिए? पैसे रैली में जाने के लिए पैसे मिलते हैं ना? कहीं मिलते होंगे पता नहीं। तो आप मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा को देखने आए हो? किनको? हेमंत। कौन आने वाला है यहाँ पर? आशु पार्टी जो मैं नेता हूँ। अच्छा यहाँ पे कौन आने वाला पता ही नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मुझे ये अच्छा आ जाओ कोई बात नहीं। मुझे बता कौन जीतने वाला है झारखंड में इस बार? झारखंड में इस बार क्या बोलते हैं हेमंत, इस बार हेमंत जी की सरकार है, हेमंत सोरेन की, जेएमएम की पार्टी है और कांग्रेस की पार्टी पिछले 5 साल से सत्ता चला रही है, पता है ना आपको? तो क्या होगा, दोबारा सरकार बनाएंगे? नहीं, दोबारा सरकार आप लोग बना लेंगे? हम लोग नहीं बनाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं भाजपा की सरकार इसको बनना चाहिए। भाजपा बनाएगी? स्कूल जाते हैं अभी? कैसे, कौन सी स्कूल अभी? क्या कितने बड़े हो, क्या उम्र है आपकी? मेरा 24 साल। अच्छा 24 साल है। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्या पढ़ाई बंद हो गई? बिजनेस चालू किए हैं अभी। क्या बिजनेस चल रहा है? बस फार्मिंग वगैरह। अच्छा फार्मिंग का चल रहा है, बढ़िया है सब राज्य में एकदम? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? दिक्कत यही है बालू वगैरह के लिए बहुत दिक्कत होता है, पुलिस बहुत पकड़ता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह से बालू लाते तो बहुत ज्यादा परेशान करता है, पैसा वैसा बहुत लेता है, और पकड़ लिया तो फिर बिना पैसे देवे मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। और तो पार्टी की बस में आए हो या अपनी गाड़ी से आए हो? अपनी गाड़ी से आए, बस में कहां से? बाइक से। हाँ बाइक से। चलिए धन्यवाद। क्या हुआ नाम भैया आपका? संजीत कुमार नाम हुआ मेरा। क्या? संजीत कुमार। संजीत जी कैसे हैं आप? ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है तो क्या बोलते हैं उनका नाम भूल के, उन्हीं को देखने आए हैं। तो देखने आए हैं या कुछ उसका फायदा भी होगा चुनाव में? नहीं नहीं फायदा बिल्कुल होगा नहीं, सरकार आएगी तो नहीं बिल्कुल फायदा होगा, हेमंत जी से कोई लाभ नहीं मिलता है अभी तक। अच्छा हेमंत जी पिछले 5 साल से चला रहे हैं सरकार जी, तो काम नहीं हुआ है? नहीं नहीं एकदम कोई काम ही नहीं दिखता, सब बेरोजगार भी है, हम लोग इतना डिग्री लेके बैठे हैं लेकिन एक नौकरी तक हम लोग को कुछ नहीं मिल पाया अभी तक। वो तो कहते हैं बहुत काम किए हैं हम लोग, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कहाँ से है यहाँ पे आप? पतरातू, किरीगढ़। पतरातू से? पतरातू में काम वाम नहीं हुआ है? एकदम कोई काम नहीं हुआ। गुटखा उटका पूरा खा रखे हैं, खाना नहीं चाहिए? खाना नहीं चाहिए क्या करेगा, सरकार बैन लगा देगी तो ये भी बंद हो जाएगी। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल तो, अभी बहुत प्रॉब्लम है, हमारा गाड़ी चलता है, बेरोजगार है। तो इस बार बदल देंगे सरकार आपको? एकदम पूरा बदल देंगे पूरा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।